हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं हमें तो राज हूँ क्रिश्चन। तो गाइस, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो हमारा हाउस वायरिंग में कभी कभी एक फॉल्ट हो जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। उस फॉल्ट में ये हो जाता है कि जो हमारा सॉकेट लगा होता है उसमें फेज वाले में तो फेज आता ही है, और जो हमारा न्यूटन वाला पॉइंट होता है उसमें भी हमारा लाइन आने लगता है, मतलब कि फेज आने लगता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है और इसको कैसे सही करना है? और इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे घर में सारी लाइट चली जाती है बट जो हमारा सॉकेट होता है उसमें दोनों साइड फेज आता रहता है और हमारा कुछ भी वर्क नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में इसको सही करने का बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे। अगर आज वीडियो आप लोग पूरी कंप्लीट देखते हैं तो आप लोगों को अच्छे से जानकारी हो जाएगी कि हमारे सॉकेट के दोनों साइड में फेज क्यों आता है और इसको कैसे सही करें। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो छोड़ी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग का एक्सप्रेफ हमें बहुत अमूल्य है। चलिए सच वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि यहाँ पर जो हमारा बोर्ड लगा हुआ है इसमें एक ये प्रॉब्लम हो गई है कि हमारे दोनों सॉकेट के पिनों में हमारा लाइन आ रहा है और न्यूटन के स्थान पर भी लाइन आ रहा है और हमारे घर के सारे उपकरण कोई भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे रूम में लाइट नहीं है और हमारे सारे स्विच ऑन है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को चेक करके दिखा देते हैं और इसको कैसे सही करना है सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम जैसे न्यूटन वाले पॉइंट में अपने टेस्टर को लगाते हैं तैसे हमारा टेस्टर चल रहा है, और जैसे इसको लाइन वाले में लगाएंगे आप लोग देख सकते हैं उसमें भी हमारा टेस्टर चल रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, हमारे दोनों पॉइंट में लाइन आ रहा है बट हमारा कोई चीज़ वर्क नहीं कर रहा है, ना हमारा बल्ब जल रहा है, ना हमारा कुछ भी काम नहीं कर रहा है, बस इसमें हमारे सॉकेट में लाइन आ रहा है। और जबकि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सभी स्विच ऑन हैं बट फिर भी हमारा बल्ब और कुछ ना काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे सही करना आज की इस वीडियो में ए से जेड तक फुल जानकारी दी जाएगी। बस आपको वीडियो समझना है और स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लाइन आ रहा है और आप लोग देख सकते हैं कि हमारे रूम में लाइट जरा सा भी नहीं आ रही, ना हमारा एलईडी बल्ब जल रहा है, ना हमारा फैन जल रहा है, ना हमारा ट्यूबलाइट जल रहा है, हमारा कोई भी चीज़ वर्क नहीं कर रहा है। और हमारे दोनों सॉकेट के पिन में आप लोग जैसे लाइन आ रहा है बट हमारा कुछ वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, इसको कैसे सही करना है? ठीक है, तो अगर आपके ये रूम में आ रहा है, अगर आपके वहाँ भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप लोग को जो आपका मेन मीटर होता है, जो मेन एमसीबी बॉक्स होता है, सबसे पहले आपको उसमें चेक करना है कि अगर यही प्रॉब्लम हमारे मेन एमसीबी में आ रही है, हमारे दो वायर खंभे से आते हैं जो मेन लाइन होती है, आपको उसमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम एमसीबी बॉक्स में चेक करेंगे और देखेंगे कि यही प्रॉब्लम उसमें आ रही है कि वहाँ पर सब सही है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं हमारा एमसीबी बॉक्स है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर भी हमारे दोनों पॉइंट में लाइन आ रहे हैं या हमारा ऐसे ही जो वहाँ पर सिर्फ बोर्ड में आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एमसीबी बॉक्स को खोलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर हमारा लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, सबसे पहले आपको यही चेक करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर एकदम सही होगा तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे कोई बोर्ड से जो वायर आया हुआ है एमसीबी बॉक्स तक उसी में प्रॉब्लम है, और अगर यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है तो आपका जो खंभे से दो वायर आते हैं, जो हमारे पोल से दो वायर आते हैं, वहाँ से कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ से आपको किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाना होगा या जो अब आपके विद्युत विभाग में जो होते हैं लाइन मैन होते हैं उनको आपको बुलाकर सही कराना होगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमने एमसीबी बॉक्स खोल दिया है, अब यहाँ पर चेक करते हैं तो ये हमारा लाइन वाला पॉइंट है, इसमें हमारा लाइन आ रहा है और इसके बगल में हमारा न्यूटन वाला पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा लाइन बिल्कुल आसानी से आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पर हमारा ये न्यूटन वाला पॉइंट है तो इसमें न्यूटन वाले में हमारा टेस्टर नहीं जल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा एकदम यहाँ सही आ रहा है, और जो हमारी बाकी एमसीबी लगी हुई है वो हमारी रूम की एमसीबी है, बट हम ऐसे कैसे पता लगा लें कि हमारा न्यूटन आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम यहाँ पर एक होल्डर बल्ब से लगाकर इसको चेक करेंगे कि हमारा यहाँ पर न्यूटन और लाइन बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम होल्डर बल्ब लगाकर चेक कर लेते हैं ताकि हमको अच्छे से पता हो जाएगा कि हमारा न्यूटन भी आ रहा है और लाइन भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं हमारे पास होल्डर बल्ब है और टेस्टर से तब हमको पता चल नहीं पाएगा कि हमारा न्यूटन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसलिए हम यहाँ पर होल्डर बल्ब लगाकर अपने बल्ब को जलाएंगे। अगर यहाँ पर हमारा बल्ब जलेगा तो इसका मतलब हमारा लाइन न्यूटन दोनों आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं मैंने बल्ब को लगा दिए हैं और अभी यहाँ पर आप लोग देखते हैं हमारा बल्ब बिल्कुल आसानी से जल रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा यहाँ पर लाइन न्यूटन आ रहा है अच्छे से और हमारा खंभे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है हमारी उस बोर्ड से प्रॉब्लम है या हमारे उस वायर से प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखते आ रहा है, अब हम ऊपर वाले में एमसीबी के पॉइंट में चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर भी हमारा एकदम अच्छे से बल्ब जल रहा है, इसका मतलब हमारा एमसीबी बॉक्स में लाइन और न्यूटन दोनों आ रहे हैं और अच्छे से हमारा वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक हमारी लाइन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब जो भी प्रॉब्लम है हमारे रूम के अंदर वाले बोर्ड में प्रॉब्लम है या उसमें का कोई वायर खराब है या कुछ भी खराब है वहीं से प्रॉब्लम है। ठीक है, एमसीबी बॉक्स हमारा सही है, और अगर आपके वहाँ एमसीबी बॉक्स में भी दोनों में लाइन आता है तो आप लोग इलेक्ट्रीशियन को बुला सकते हैं, जो बड़े इलेक्ट्रीशियन जो खंभे पर चढ़ते हैं उनको बुलाकर सही कराए
कराइए, जो विद्युत विभाग के लाइन मैन होते हैं उनको बुलाकर आप सही कराइए, बस आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आप किसी बोर्ड को खोलने की जरूरत नहीं है। अब चलिए फटाफट से अपने बोर्ड को खोलते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, जिसके कारण हमारे न्यूट्रल में भी लाइन आ रहा है और लाइन में भी लाइन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि न्यूट्रल और लाइन में दोनों में हमारा लाइन आ रहा है, टेस्टर चल रहा है। तो इसमें एक यह प्रॉब्लम है हो कि आपको जैसे आपके जो स्विच लगे, जो होल्डर बल्ब के स्विच लगे हैं, आपको सारे बंद कर देना। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपका लाइन में लाइन आ रहा है और न्यूट्रल में भी लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे हमने पहले स्विच को बंद कर दिया तैसे हमारे न्यूट्रल वाले पॉइंट में लाइन नहीं आ रहा, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा न्यूट्रल पॉइंट खराब है, ठीक है। और अगर हम स्विच को ऑन कर देंगे तो हमारे सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट में लाइन आने लगेगा। इसका कारण ये होता है कि जो हमारा बल्ब लगा होता है उसमें हमारा लाइन जा रहा है और उसी के रास्ते हमारे न्यूट्रल वाले पॉइंट में लाइन आ रहा है, ठीक है, यही कारण होता है। तो फटाफट से अपने बोर्ड को खोल लेते हैं और आपको चेक करके दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, इस बोर्ड से प्रॉब्लम है या जो है हमारे कहीं वायर से छूटा हुआ है या कहीं वायर को चूहे ने काट दिया है या वायर कहीं से साड़ हो गया, ठीक है। यही प्रॉब्लम होगा जिसके कारण हमारे बोर्ड में न्यूट्रल नहीं आ रहा, ठीक है। तो फटाफट से अपने बोर्ड को खोल लेते हैं और फिर आपको चेक करके दिखाते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे सही करना। अभी हम इसको सही करके बताएंगे ताकि आप लोग यही कहीं पर अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है तो आप लोग बिल्कुल आसानी से सही कर पाएँ और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग देख सकते हैं अपने बोर्ड को हमने खोल दिया है और यहाँ पर हमारे एकदम सारे कनेक्शन हो चुके हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे बोर्ड में कुछ ऐसी वायरिंग है और यहाँ पर हमारे सारे वायर जुड़े हुए हैं और आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सभी स्विच ऑन हैं और न्यूट्रल में भी लाइन आ रहा है और लाइन वाले में आपको चेक करके दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं लाइन वाले में हमारा लाइन आ रहा है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से यहाँ पर लाइन वाला वायर पॉइंट है तो यहाँ पर लाइन तो आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर न्यूट्रल वाले में भी हमारा लाइन आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा न्यूट्रल वाला वायर कहीं से साड़ है या इसको चूहे ने काट दिया जिसके कारण हमारा न्यूट्रल नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग बल्ब लगाकर चेक करके दिखा देते हैं कि यहाँ पर हमारा बल्ब भी जरा सा भी नहीं जल रहा है, इसका यही मतलब है कि हमारा न्यूट्रल नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम अपने न्यूट्रल वाले वायर को चेंज कर देंगे या इसको आपको चेक करना है कि कहीं पर कहीं चूहे तो नहीं काट दिया है या कहीं से कोई साड़ नहीं हो गया है। अगर वायर हो गया तो आप लोग को इस वायर को चेंज कर देना, बस तो ये हमारा एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो अपने न्यूट्रल वाले वायर को खोल लेंगे फटाफट से। यहाँ पर आप लोग देखते हैं हमारा न्यूट्रल वाला वायर है और इसमें हमारे दो न्यूट्रल के वायर है, एक हमारे होल्डर बल्ब फैन के ट्यूबलाइट के वायर है न्यूट्रल का और एक जो हमारे डायरेक्ट MCB बॉक्स से आया हुआ है वो वायर है, ठीक है। तो जो हमारे MCB बॉक्स से वायर आया हुआ है उसी में कोई प्रॉब्लम है तो इस वायर को फटाफट से चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं यहाँ से हमारा इसके अंडरग्राउंड वायरिंग है तो इस वायर को हमको खोलना होगा और वायर को बदलना होगा। तो फटाफट से इसको बदल लेते हैं फिर आपको बताते हैं और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि हमारा ये वर्क करता है कि नहीं करता है, काम करता है कि नहीं करता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने न्यूट्रल वायर को डाल दिया है क्योंकि वो वायर हमारा साड़ हो गया था और उसको चूहे ने कुतर दिया था क्योंकि हमने एक होल्डर के बॉक्स था उसमें हमने फैन सीट नहीं लगाई थी इसलिए उसके अंदर चूहे चले गए थे और हमने न्यूट्रल वायर को काट दिए थे। तो अब हम न्यूट्रल वायर को न्यू वाले डाल दिए हैं और यहाँ पर अच्छे से जोड़ देंगे, जैसे कनेक्शन सारे थे वैसे हम कर देंगे सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट में हम इसको लगा देंगे और अच्छे से टेपिंग कर देंगे। फिर आपको लाइन चालू करके दिखाते हैं कि हमारा ये सही हुआ कि नहीं हुआ और हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने वायर को जोड़ दिया है, अब फटाफट से इसमें टेपिंग कर देते हैं फिर हम लाइन चालू करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं यहाँ पर टेपिंग कर रहे हैं और टेपिंग आपको अच्छे से कर देना है, आप चाहे जहाँ पर वायरिंग करें आपको अच्छे से टेपिंग करना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग देखते हैं हमने यहाँ पर अच्छे से टेपिंग कर दिया है और यहाँ पर सारे कनेक्शन एकदम वैसे ही हैं, इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस आपको न्यूटन का वायर चेंज कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमारा न्यूटन नहीं आ रहा था इसलिए हमने न्यूटन को चेंज कर दिया, ठीक है। अब चलिए इसमें लाइन चालू करते हैं और देखते हैं कि हमारा लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमने लाइन चालू कर दिया है और अपने स्विच को जैसे खोले तैसे हमारी लाइट जल गई। आप लोग देखते हैं हमारा बल्ब जल रहा है बिल्कुल आसानी से और हमारी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो गई, जैसा कि आप लोग देखते हैं हमारा बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है और हमारा एकदम सारे चीज़ वर्क करने लगा, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए फटाफट से अपने बोर्ड को लगा देते हैं, उसके बाद आपको चेक करके दिखाते हैं कि आप तो इसमें हमारे दोनों में लाइन नहीं आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं बोर्ड को लगा दिया, अच्छे से हमारा लग चुका है और यहाँ पर आप लोग देखते हैं न्यूट्रल वाले पॉइंट में हमारा लाइन नहीं आ रहा और सिर्फ लाइन वाले में हमारा लाइन आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा ये फॉल्ट बिल्कुल सही हो चुका है। आप चाहे जहाँ पर वायरिंग करें या कहीं पर कोई फॉल्ट हो जाए, अगर ये समस्या आती है तो आप लोग को न्यूट्रल वाला वायर चेंज कर देना है या फिर उसमें न्यूट्रल में कोई प्रॉब्लम होगी न्यूट्रल वायर को अगर चेंज कर देते हैं बस आपकी सारी प्रॉब्लम का समस्या का समाधान हो जाएगा। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आप लोग का सब्सक्राइब है बहुत अमूल्य। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।